सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या गाइज, आपका भी जब भी आप BGMI को खेलते हो या पबजी को खेलते हो तो आपका भी फ़ोन बहुत लैग करता है। आप अगर आपका फ़ोन 4 GB RAM है, 3 GB RAM है या 6 GB RAM है, लैग तो करता है थोड़ा थोड़ा। अगर आपका 6 GB RAM है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा लैग करता होगा। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप उस लैग को किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। आपका गेम बिल्कुल मक्खन की तरह चलने वाला है। तो यहाँ पे इन तीन सेटिंग्स को करने के लिए आपको यहाँ पे फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे एक बिल्ड नंबर का होता है ऑप्शन, इस पर 7 बार टैप कर देना है। 7 बार टैप कर देने के बाद यहाँ पे हमारा डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इनेबल है क्योंकि मैंने पहले से ही 7 बार टैप कर लिया है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन हमारा इनेबल हो चुका है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऐसे ढूंढने पर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर देना है डेवलपर, तो आपका डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे, आपका ऊपर भी हो सकता है, देख लेना आप डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। तो इस डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, इसे आप इनेबल कर लेना। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पे हमारा मेन स्टेप शुरू होता है। तो जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा सेटिंग है, ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस, तो इस वाले ऑप्शन को हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद इसे ऑन कर लेंगे, अगर आपका ऑफ होगा तो इसे ऑन कर लेंगे। ऑन कर देने के बाद यहाँ पे अब हमारा BGMI है, तो यहाँ पे बैटल इंडिया, बैटल ग्राउंड इंडिया करके यहाँ पे फर्स्ट में ये हमारा दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट में पहले से ही सिलेक्ट होगा, लेकिन हमें सिस्टम ग्राफिक्स डिफ़ॉल्ट पे इस पर ड्राइव पे क्लिक कर देना है, ड्राइवर पे क्लिक कर देने के बाद अब क्या होगा गाइस, जो हमारा लो एंड डिवाइस है, जो हमारा ग्राफिक्स हम जब करते ग्राफिक्स लगा खेलते ग्राफिक्स हाई मीडियम स्मूथ जितना भी करके हम खेलते हैं, तो हमारा वो जो परफॉर्मेंस है ग्राफिक्स का वो इन्हेंस हो जाएगा, क्वालिटी उसका एक नंबर हो जाएगा। तो जब खेलोगे तो आपको पता लग जाएगा जो आपका फ्रेम ड्रॉप्स होता था वो बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला करते हैं, तो सेकंड वाले पे आप देख सकते हो फोर्स 4X MSAA, इस वाले को हम इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देने के बाद क्या होगा, जो आपका फ़ोन का स्टोरेज है, चाहे वो 2 GB है, चाहे वो 4 GB है, चाहे 6 GB है, लैग नहीं करेगा इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देने के बाद। अब जो थर्ड नंबर हमारा है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो जब हम BGMI खेलते हैं तो हमारा बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रन करते रहते हैं, तो उन ऐप्स को बंद करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट वाला जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इसे हमें थर्ड वाले पे ही सिलेक्ट कर देना होगा। अब जो हमारे गेम का परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन तीनों सेटिंग्स को करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप जब गेम खेलोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस बनने वाला है। जो आपका फ्रेम ड्रॉप्स होता था, हीटिंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम, वो सारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 101%, क्योंकि गाइस मैं पर्सनली इसे यूज़ करके खेलता हूँ। तो आज के इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।